इतनी गर्मी है, काश बारिश आ जाए। बारिश आ जाए, बारिश आ जाए डब्बू, बारिश आ जाए, काश बारिश आ जाए। बारिश हो जाए ना फैनू। हाँ काश बारिश आ जाए। हैं क्वीन, बारिश आ जाए ना। One hour later. और ये देखिए फाइनली गाइस, धूप निकल आई है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी स्वागत है आपको मेरे नए व्लॉग में। और अभी शाम का टाइम है और मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, बहुत जो है आंधी आ गई है। और सबसे पहले मैंने रख दिया है दलिया बनने के लिए, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो दलिया जो है बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लाइट जो है चली गई है, तो अभी मैं कुछ मिल्किंग वगैरह का रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर इसमें लग गई तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए मौसम, बारिश आ जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और तो लाइट भी चली गई है, तो चलिए मैं फटाफट से पहले मिल्किंग कर लेती हूँ। इन दोनों वाली भैंसों की मैंने कर ली, अंदर वाले पशु रह गए हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अंधेरा हो गया ना तो फिर मिल्किंग करनी जो है मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, ये भी दूध के वेट में बैठ गए आके। और ये देखिए कुछ पशु मैंने बांधे हुए हैं बाहर, यहाँ पे डॉगी बैठे हैं, बाकी ये दूध के वेट में यहाँ पे बैठे रहते हैं। अभी डालूंगी, अभी डालूंगी। और ये देखिए मिट्टी बहुत उड़ रही है, पूरी आंधी आ गई है। ये तीनों बैठे हैं आराम से, हवा बहुत अच्छी चल रही है। चलो गर्मी से तो बचे कम से कम। तो चलिए फटाफट से मैं मिल्किंग कर लेती हूँ। तो जी ये गाय और भैंस बंधेगी यहाँ पर बाहर शेड के नीचे, और ये बछड़ा है जो इस गाय का, ये भी यहीं बंधेगा। यहाँ पे शेड में जो है चारों तरफ हवा आती रहती है, तो ये आराम से बंध जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दरवाजे पे ही लगा दी है रेहड़ी, ताकि कोई भी पशु जो है बाहर ना निकले। और ये देखिए ये यहाँ पे आराम से जो है यहाँ बाड़े में बैठे रहेंगे। अभी जो है रात के 10 बजे का टाइम हो रहा है, और हम मिल्किंग वगैरह करके इनके घर चले गए थे। देखना आंखें कैसे इनकी जग रही हैं। तो अभी जो है मेरा वहाँ का भी सारा काम निपट चुका है। और ये छोटा सा कटिया जो है, ये इसकी भैंस की इसके पास ही बांध दिया, क्योंकि फिर ये इसके बिना टिकती नहीं है। ये भी बाहर निकाल दिया आराम से, और अब हवा में ये बैठे रहेंगे। और ये देखिए आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा, सितारा कुछ भी नहीं है, बादल आज हैं। तो रात को इनका ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश वगैरह या तूफ़ान वगैरह आ गया। तो शाम को तो बस आंधी चली और ऐसे ही कुछ बारिश वगैरह हुई नहीं। और वैसे ठंडा मौसम तो हो गया, हवा चल रही है, लेकिन बारिश नहीं है। ये रात को लग रहा है, क्योंकि कोई भी तारा वगैरह कुछ नहीं है, सितारे नहीं है, बादल हो रहे हैं। और रात को ज़रा इनके पास चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जी चलिए इनको भी करने देते हैं रेस्ट, और हम भी घर चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं। रात को एक आधी बार आके, वैसे तो ये अब बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने खाना वगैरह खा लिया, घास वगैरह अच्छे से खाया हुआ है, और पानी पी लिया था, पिला दिया इनको अच्छे से, तभी आराम से बैठ के जो है आराम करेंगी, और हम भी अब आराम करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 10:30 बज गए हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर आपसे सुबह। तो जी ये जो अंदर की सफाई करने वाली, सफाई करने के लिए रहती है, बस बाहर के तो मैंने शाम को कर दी थी, वैसे एक बार झाड़ू लगाया था, लेकिन पशु जो हैं बार बार गोबर तो करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे रात को ना झाड़ू नहीं लगाते, इसी वजह से मैं जल्दी आके सुबह यहाँ की क्लीनिंग कर दूँगी, और ये सारा गोबर वगैरह रेडी में डाल दूँगी। वैसे तो मैं गोबर रात को डाल देती हूँ, झाड़ू सुबह लगाती हूँ, लेकिन आज थोड़े ना थकावट सी होगी और मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बस रेस्ट करेंगे घर जाकर। और बाकी इनके नीचे तो जहाँ पे इनको बैठना है साफ ही है, बाकी सफाई करूँगी सुबह आकर। तो चलिए करते हैं लाइट्स ऑफ, सिर्फ एक लाइट जो है अंदर वाली जलने देंगे, बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर देंगे। तो ये आराम से बैठी रहेंगी। बस एक लाइट ये जला दूंगी और लॉक लगा के। चलिए फिर मिलेंगे आपसे सुबह, गुड नाइट।
हाँ हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ बाड़े में। साफ़ सफाई का काम सारा मैंने निपटा लिया है। और अभी जो है, रात को बहुत आंधी आई लेकिन बारिश कुछ नहीं आई। मैं इसीलिए चक्कर मैंने 2-3 बार यहाँ पे चक्कर लगाया, क्योंकि अगर बारिश आए, बारिश से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ओले वगैरह पड़ जाए तो पशु को जो है जख्म हो जाते हैं स्किन पर, तो इसीलिए ओले वगैरह से डर रहता है। वैसे बारिश में तो पशु जो है खुशी होता है। तो सुबह से जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा तो पशुओं के लिए अच्छा है, क्योंकि पशु जो है खुश हो जाते हैं ऐसे मौसम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो फ़ैन वगैरह पशुओं के लिए लगाए हुए हैं, पशु धूप में नहीं रहने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके बाड़े में खुली हवादार जगह है और फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं तो पशु जो है बर्दाश्त कर लेता है इतनी गर्मी, और हैबिट होती है। लेकिन ये है कि डायरेक्ट धूप पशु के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो जब मैं सुबह उठी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और बारिश का मौसम जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर सुबह सुबह बारिश होती हो तो देखकर ही मुझे में तो अलग सी जो है पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और काम करने का मेरा बहुत दिल करता है। ऐसा होता है ना कि जैसे मोरनी के जैसे मन झूमने लगता है, जैसे मोर झूम जाता है बारिश को देखकर, वही मेरा हाल होता है। तो अभी जो है मैंने साफ़ सफाई यहाँ कर दी है, और अभी ये चले गए हैं घास लेने, क्योंकि अगर दिन में धूप हो गई तो घास लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर बारिश भी हुई तब भी घास लेकर नहीं आया जाता। तो इसलिए मैंने सारा ये गोबर वगैरह लेकर चले गए, और गोबर जो है खेत में डालेंगे और घास ले आएंगे, और इतने में सारे पशुओं की मिल्किंग कर लूँगी। तो अभी मैं पी रही हूँ 1 कप चाय, और ये बाड़े में बैठकर चाय पीना मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि जब अपना काम हो और अपने पशु हो तो जिनका अपना काम है उनको फील होता है ये कि फटाफट अपने बाड़े में जाएं और इंजॉय करें बैठ के। थोड़ा सा 1-2 मिनट का मैं हल्का सा टाइम निकालती हूँ और यहाँ पर चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पशुओं के साथ बैठना और टाइम स्पेंड करना। तो जी, अब चाय पीकर फिर मैं लगूँगी मिल्किंग पर, क्योंकि उसके बाद जो है ग्राहक दूध लेने के लिए आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फटाफट से चाय पीकर मैं अब लगूंगी मिल्किंग पर, और आपको एक पशु की मिल्किंग दिखाऊंगी, क्योंकि सारों की दिखानी तो पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है और मुझे थोड़ी जल्दी भी होती है। तो एक पशु की जो है मिल्किंग मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से निपटा लेते हैं अपना काम। तो चलिए फिर।